राम राम दोस्तों, बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:40 और मैं निकल चुका हूँ अभी हॉस्पिटल के लिए। सो मॉर्निंग में उठ के बढ़िया लगा दिया ब्लॉग अपलोडिंग के लिए, उसके बाद फ्रेश हुआ, दैन फ्रेश होने के बाद ड्रेसअप हुआ और ड्रेसअप होने के बाद निकल गया था मंदिर, फिर मंदिर से आया और अपना ब्रेकफास्ट किया, दैन निकल चुका हूँ अब हॉस्पिटल के लिए। कल मैं लाइब्रेरी गया नहीं था, घर आने के बाद बच्चे पढ़ाया, दैट्स इट। उसके बाद फिर खा पी के सो गया और थोड़ा बहुत काम भी किया था जो पेंडिंग थे। बस ये थी कल की अपडेट, अब चलते हैं हॉस्पिटल। सो फिर से आ चुका हूँ बैक हॉस्पिटल। गया हॉस्पिटल जाने के बाद पेशेंट थे थोड़े बहुत, बीपी वगैरह चेक कर लिए और हाय हेलो कर लिए पेशेंट के साथ, और फिर आ गया मैं नीचे और फिर क्लास किया। बैठे बैठे गया, 1 घंटा फ्री मिल जाता कभी कभी। सो अपना वीडियो स्टार्ट किया, वीडियो देखने बढ़िया, देखते देखते फिर पेशेंट आना शुरू हुए। 10:30-11 बजे तक पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं। फिर थे 2-3 का स्टिचेस रिमूवल थे, स्टिचेस नहीं ना ड्रेसिंग थी, ड्रेसिंग चेंज था, वो सब किए। उसके बाद फिर एक का लास्ट वाले का सीन था, उसकी उंगली चपट गई थी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, क्रश वाउंड। सो स्टिचेस मारे उसे और फिर स्टिचेस मारने के बाद बस फिर आ गया नीचे। नीचे आते ही फिर मैम बुला लिए थे कि स्टिचेस इसीलिए बुला लिए थे ताकि क्लास लेने के लिए, कल जैसे बुलाए थे क्लास के लिए वैसे आज ही बुलाए, मतलब रोज़ क्या है आना और डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है फिर गए छुट्टी, फटाफट निकल चुका था बैग लेके बस स्टैंड के लिए। सो आ चुका हूँ बस स्टैंड, पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट, चलते हैं बस पकड़ के बल्लारशाह की ओर। लेट मी टेल यू मैंने क्या किया कॉलेज से आने, हॉस्पिटल से आने के बाद। हॉस्पिटल से आया, फ्रेश हुआ, फिर अपना लंच किया, लंच करने के बाद बच्चे आ गए थे मम्मी बोले थोड़ा लेट जाओ, बच्चे थोड़ा समय हो गया था मतलब, तो मैं लेट गया। फिर डायरेक्ट 6 बजे उठा, फिर बच्चे दीदी ने पढ़ाए और फिर मैं 6 बजे उठा, फिर थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल किया, मोबाइल स्क्रॉल करने के बाद फिर फ्रेश वगैरह हुआ। अम्मा ने बनाए थे सिंगाड़े की लपसी, सो सिंगाड़े की लपसी खाया और निकल चुका हूँ अभी लाइब्रेरी के लिए। उस दौरान शिशिर ने कॉल किया कि चलते हैं नदी नहाने, मेरे को ये भी नहीं ध्यान कि मैंने उसे क्या, उसका फ़ोन उठाया कब, बात कब किया, क्या बात किया, तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पता चला उसने मुझे बोला कि जाना है स्विमिंग के लिए, बताओ मतलब इतना गहरे नींद में सो गया था। छोटाला बाबू आया, भैया भैया करते रह गया, नहीं उठा, बस सोते रहा, गहरी नींद थी, क्या कर सकते, काम धाम में नींद आना अजीब है, पता नहीं इस समय नींद कैसे आ रही है। बॉडी टायर्ड हो जाती है तो फिर भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है फॉर रिकवरी, स्लीप एंड स्लीप इज अ गुड मेडिसिन। और बारिश हो रही है अभी हल्की हल्की सी, बूंदे बांदे गिर रही हैं जैसे ही देख सकते हो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे थेम्बो। बस लाइब्रेरी से निकल चुका था मैं, पीयूष शिशिर आ गए हैं बादाम शेक पीने, बादाम शेक के साथ साथ फालूदा भी लेंगे। सो करते हैं इंजॉय, यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है भाई का बर्थडे, इंजॉय करते हैं, लेट्स इंजॉय द बादाम शेक। सो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा बादाम शेक, नहीं बादाम शेक नहीं फालूदा, आ गई गुलामड़ी मेरी मस्त, गुलाब क्या बोलते हैं रोज फ्लेवर, आ चुका है पाइनएप्पल, चीयर्स, रुको राइट हैंड से। सो आ चुका है हमारा बादाम शेक, सॉरी फालूदा, चीयर्स तो करो, ले लेने दो उसको, चीयर्स, मैं वही दूंगा, मैं मेरी फोटो अकेले में मेरी फोटो, अबे वाह अच्छी फोटो आई भैया। आइसक्रीम खाने के बाद फालूदा पीने के बाद फिर आते आते दिखा गुपचुप शॉप ओपन था, तो फिर लिए गुपचुप, हम सब ने खाए, तीनों ने खाए गुपचुप, दैन गुपचुप खाने के बाद आए वापस लाइब्रेरी, उठाए अपना बैग
और शिशिर चला गया अपने घर, मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। और चलते हैं घर, करते हैं भोजन, असम भूख लगी है और ख़ास कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, आज हॉस्पिटल में बताया क्या, मैंने नहीं बताया क्या क्या हॉस्पिटल मॉर्निंग, हाँ बताया तो था मॉर्निंग में, तो आज कुछ तो खास है नहीं। नई चीज़ सीखने को ये मिला कि ब्लड कैसे लगाते हैं, ब्लड बैग लगाना इज़ चैलेंजिंग। लगाने की प्रोसेस इजी है लेकिन क्या चैलेंजिंग है कि ब्लड, उसे ब्लड लाने के बाद ब्लड लगता है कि नहीं, उसे सूट होता है कि नहीं, उसका हीमोग्लोबिन बराबर लगता है कि नहीं, मतलब ब्लड का नहीं क्या कभी कभी रिएक्शन मार जाता है तो फिर आदमी की सडनली डेथ भी हो सकती है अगर ब्लड लगाने के बाद भी कुछ ब्लड अगर रिएक्ट कर दिया तो। सो चेक करते रहना पड़ता है कि पेशेंट को कैसा लग रहा है, हाउ ही और शी इज़ फीलिंग, उल्टी उल्टी तो नहीं आ रही ऐसे, मतलब मन मचल तो नहीं रहा है, रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, या बॉडी ठंडी तो नहीं हो रही है, ऐसे सब पूछते रहना पड़ता है पेशेंट से ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, है ना। यही था अच्छा ज्ञान ऑफ द डे, ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं न्यू डे विथ न्यू ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।